ये क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा बना दिया, चलो ठीक है। टॉप हाइट में आए हम लोग सब, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बस कुछ भी दिख रहा, कहाँ अच्छा लग रहा है। देखो इसमें भी कितना दिन लग रहा है, देखो इस वाली वीडियो में देखो कितना दिन लग रहा है। चलें पता है, यहाँ पे ओनली तो कोहरा दिखाई दे रहा है, बाकी नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा ही कोहरा है। और ये हम लोग बिल्कुल टॉप पे हैं, जहाँ पे उन्होंने हेलीपैड लग बनाया है, उसको देखने के लिए आए थे, और उससे आए थे पिकअप से। अभी मैं, अभी हम लोग पीछे रहेंगे, तब मैं आपको शेयर करती हूँ कि कितना डर लगता है यार उस पे आते हुए। और देखो कितनी ऊपर आ गए हम लोग, ये नीचे की साइड में ना कितना घर है, बिल्कुल खाई टाइप की, बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन बहुत मजा आया। और सब लोग यहाँ पे ना देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओफो, आने के बाद ना इतनी थकान टाइप की लग रही है, और आप लोगों को पता है मेरी नोज और ये सब रेड रेड दिख रहा होगा, मतलब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन क्या बहुत ऊपर है ना, तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो बट मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन एक दो लोगों को हो रही थी प्रॉब्लम। और पता है वहाँ से आने के बाद इतनी थकान हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना काम करके आ रहे हैं। और जबकि गए भी हम लोग गाड़ी से थे, और आए भी हम लोग गाड़ी से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है वो पैदल गए हों या कुछ भी। और पता है हम लोगों ने आज रूम चेंज कर लिया है, क्योंकि जो हमारा रूम था वो बहुत ऊपर था, और उसमें हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जो हमने रूम लिया है वो अपने बिल्कुल सामने लिया है नीचे का, और वहीं पर बोनफायर हो रही है, वहीं पर हम लोग जो है वो स्नैक्स वगैरह खाएंगे अभी, और बोनफायर करेंगे, और बहुत सारा डांस करेंगे कल की तरह, जैसे हम लोगों ने कल किया था। तो पता फुल इन्जॉय चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग आए। और ये जो रूम है ना, ये इस तरीके से है, सेम ही है लगभग लगभग, वहाँ के सभी रूम सेम है। इसका मुझे टूर कराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो रूम था वैसे ये है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो पूरा ही जो रिसोर्ट है ना, वो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा, स्टाफ वगैरह भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये रामगढ़ में है, अमारी रिसोर्ट, जो रामगढ़ में पड़ता है, मतलब नैनीताल से 10-15-20 किलोमीटर ऊपर, आई थिंक 15-20 किलोमीटर ऊपर ही है। और रामगढ़ एक जगह है, जगह का नाम है रामगढ़, तो वहाँ पे अमारी रिसोर्ट, अगर आप लोग आना चाहते हैं ना इधर की साइड, तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, और काफ़ी अच्छा रिव्यू है यहाँ का। मैं तीसरी बार आई हूँ इस बार, और हर बार ऐसा लगता है कि हम नए, मतलब अभी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पता हर तरीके की एक्टिविटी है। और इतनी ठंड होने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पूल में भी नहाए हम लोग, सोचो आप इतनी ठंड है यहाँ पे और फिर भी हम पूल में नहाए, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ना बहुत प्यारा लगने वाला है। पनीर खा खा, अंकल आप पनीर खाओ के पके नहीं, मजबूरी है। क्या हुआ मम्मी? और चिकन बना हुआ है शायद, बहुत टेस्टी वाला। वाह, हमारा बेबी सो गया है, तो बहुत नींद आ रही थी। यम्मी खाना है तीनों में, ब्रेकफास्ट में बहुत यम्मी है, लंच भी यम्मी है, और डिनर में भी जितना है ना। आज तो क्या गाइस, पनीर खा खा के पक गए हैं हम, ये है तो मैं चिकन नहीं खा पा रही। चिकन बहुत ही टेस्टी, चिकन नहीं मटन, मटन का क्या? मम्मी क्या होगा मेरा, दो तीन दिन बाद नहीं आज तो आज है।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पता है इतनी अच्छी धूप निकल जाती है यहाँ पे सुबह में, और काफ़ी ग्रीनरी है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम टहलने के लिए आए हुए थे तो यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि यहाँ का चलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सांस फूलने लगती है बहुत जल्दी। तो अभी खुशी और शिल्पी जो हैं वो गाड़ी तक गए हैं, खुशी का कुछ सामान नहीं मिल रहा है उसको देखने के लिए, और मैं थोड़ी देर यहाँ पर धूप खा रही हूँ। और हम लोग सुबह में ना यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, और यहाँ पे इतने बंदर हैं, इतना डर लगता है ना, चारों तरफ को देखना पड़ता है कि कोई बंदर अंदर तो नहीं आ जाएगा। और तो कितना अच्छा व्यू है, वाओ, देख के ना मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छा लगता है। और धूप तो यहाँ की पता सुबह ही खिल जाती है, अभी भी पता कितना हुआ होगा, 7:50 के करीब हो रहा होगा, बट इसी टाइम पे कितनी अच्छी धूप निकल गई देखो। अभी फिर से हम लोग पूल पार्टी करेंगे, फिर उसके बाद जाने की तैयारी करेंगे। आज हमारा चेकआउट है यहाँ से, और फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं। फिलहाल आज यहाँ से हमारा चेकआउट है, 2 दिन के लिए हम लोगों ने ये बुक कराया था, तो 2 दिन हमारे हो गए कम्प्लीट। अब हम यहाँ से जाएंगे और फिर उसके बाद कहीं अलग देखते हैं, अगर हमें एक रूम मिल गया, क्योंकि एडवांस बुकिंग हमारी नहीं है कहीं पर भी। अगर हमारा वहाँ पे हमें रूम मिला, हम नैनीताल रुकने की सोच रहे हैं, रूम मिला तो रुकेंगे, नहीं मिला रूम और तो फिर घूम के थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। तो मतलब प्रोग्राम जो है ना वो अभी और जगह का कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं करने की, बस यही डिसाइड है कि हमें हम लोगों को नैनीताल में रुकना था। बट नैनीताल में रुकने का क्या होता है ना कि पहले से अगर हम लोग बुक करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट बुक नहीं है बिल्कुल भी, कहीं कुछ बुक नहीं है, तो हम लोगों ने बुक अभी नहीं कराया। तो चलिए चलते हैं। मैं सोना भी उठ गया बेबी, इसका इसका नाम क्या है, नाम तो मैं भूल जाती हूँ, विशु विशु विशु, हाँ मेरा चुना बाबू भी उठ गया। अल्ले पता है कैमरे की साइड को तो बहुत गौर से देखता है ये। सबसे मजे ले ला, सबसे ज्यादा मजे ले ला, ले रही हो नहीं पता इतना एंजॉय कर रहा है ना ये, इतना छोटा सा ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। अभी हम लोग क्या प्रोग्राम है आगे का, पूल पार्टी आगे का, अभी तो पूल पार्टी होगी, बिना पूल पार्टी बिल्कुल, ये भी परेशान कर, देख कितनी गौर से देख रहा है, देखो। तो अभी करेंगे हम लोग पूल पार्टी और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपना चेकआउट करेंगे। और स्किन यहाँ आके बैंड बज गया है स्किन का, मेरी तो कल पूरे में जलन हो रही थी, क्योंकि पानी के अंदर इन लोगों ने जो मिलाया हुई है ना तो बहुत ज्यादा मिला दिया ये चीज ना, बहुत ज्यादा रेड हो गई थी पूरी स्किन का, बैंड बज गया। चलो कोई नहीं, घर जाके सब ठीक कर लेंगे, इंजॉय करने आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं खूब दुप पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और क्या औरों को भी इंजॉय कराया। अभी तो आधे से ज्यादा लोग उठे नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो ये हमारा ही है सारे, तो अभी इनमें से ना कोई उठा भी नहीं है। ठंड लगी कैसा लगा, पापा ने फोन नहीं दिया, जेंट्स पार्टी उधर चल रही है, कन्वर्सेशन बहुत सारा, और ध्रुव को तो मोबाइल मोबाइल बस पागल हो गया यहाँ पे आके, क्यों ध्रुव, चारों बत्तियां जल रही है लेकिन वो कुछ नहीं रहा। अच्छा पापा के में दो जल रही है, पता है यहाँ पे ना बहुत लोग रुके हुए हैं, तो इन लोगों का वाईफाई जो है होटल वालों का वो कितना चलेगा, तो बहुत ही स्लो आ रहा है। तो हम लोग अपना नेट यूज कर रहे हैं तो हमारा नेट भी बहुत स्लो आ रहा है यहाँ पे, इतने ऊपर वैसे भी क्या है ना, सोचो तो सही, पापा का मोबाइल पे, हाँ खुशी ठंडी लग रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। तो हम लोग फुल एंजॉय के मूड में हैं, आगे का जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। वो कह रहा मुझे नहीं दिखा, पे ना हनी बी वगैरह बहुत हैं, आ जाओ यहाँ से जाएंगे। देखो पता है इतना अच्छा गार्डन टाइप के हैं, पेड़ पौधे और ये सारी चीजें बहुत हैं यहाँ पे, बट क्या कहते हैं यहाँ पे ना हनी बी और बंदर वंदर बहुत हैं, डर लगता है बहुत ज्यादा कहीं पे भी अकेले कहीं जाने आने में, क्योंकि देखो कितना, और देखना ग्रीनरी तो बहुत ही है, पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी है, ऐसा लगता है जंगल में आ गए हो ये देखो। लेकिन ये सब डर लगता है बंदर होंगे, बंदर नहीं है देखना जरा, कभी सबसे पहले मेरे पे झपट्टा मारे बंदर।
अभी एक बंदर यहाँ से जा रहा था, ये हम जिधर की साइड से आए ना, ये इधर की साइड से, तो बहुत सारे रास्ते हैं आने जाने के। हाँ बेबी, उधर से नहीं आओ, इधर से आ जाओ, हम इधर आ रहे हैं सीढ़ियों पे। पता है, अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर क्या ना डर लगता है बंदर वगैरह से। भैया मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या हुआ? हाँ तो वो फ्रेश वगैरह होने के लिए गए ना, तो हम भी अभी जाते हैं फ्रेश वगैरह होके आते हैं। और ये हम लोगों ने जहाँ पे बोन फायर किया था, और ये हमारे ऊपर रूम है। हमारा रूम तो अभी इस बार नीचे ही है, और बहुत ही अच्छा सा लगता है, मतलब हर बार कुछ नया सा लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रीनरी है ना और इतनी ज्यादा शांति है। बट यहाँ पे सारे जो कॉटेज हैं वो सब फुल हैं। रात आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जो बोन फायर कराई थी, कितना डांस चला और कितने सारे लोग हैं। बट अभी इस टाइम क्योंकि मॉर्निंग हो रही है तो सब लोग अभी सो रहे हैं। देखो ये हनी भी बहुत घूमती हैं, इनसे डर लगता है बहुत। ये शो ये हनी भी से बहुत डर लगता है। नहीं डरना चाहिए। देखो देखो देखो, कुछ नहीं है, फूल बहुत है ना यहाँ। देखो देखो कैसे मंडरा रही है। ओह माय गॉड, तो पता बहुत डर लगता है। चलो फ्रेश वगैरह होते हैं, हम लोग भी फिर पूल में जाएंगे, जाओ है ना, फ्रेश होकर आते हैं। तो हम जा रहे हैं अपने रूम में, क्योंकि हमें फ्रेश होना है। टिंग, तो हम लोग रेडी हो गए हैं बिल्कुल। अभी हम लोगों ने नहाया है, और खुशी ने क्या पहना है, अभी पैकिंग हमारी हो गई है, क्योंकि अभी हम लोगों को ना ओनली फॉर ब्रेकफास्ट करना। वाओ, खुशी कितनी क्यूट लग रही है। अभी हम लोगों को ना ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जो हैं वो यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने ना पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी हो गई, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने जा रहे हैं। उसके बाद उसको करने के बाद फिर आके थोड़ी सा सामान वामान रखवाएंगे, फिर जाना है घूमने के लिए। आज मैंने ये लिपस्टिक लगाई, आई थिंक सो अच्छी लग रही होगी, बट मुझे कैमरे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। खुशी, मेरी लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही? वैसे अच्छी लग रही है ना ओरिजिनल में? ऐसे अच्छी लग रही है ना, कैमरे में अच्छी नहीं है। हाँ कैमरे में ज्यादा दिख रहा है, मतलब भड़कीला भड़कीला, वैसे इतनी भड़कीली है नहीं। तो गला खराब हो गया है पूल में नहाना के, और अभी का हम लोगों ने पूल का नहाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं, हम लोग चेकआउट नहीं कर पाते, फिर बहुत लेट हो जाता। तो अभी हम लोगों को निकलना है, तो चलो खुशी ब्रेकफास्ट करने चले। अपने घर, उससे पहले हम लोग नैनीताल में रुकेंगे, और हो सकता है नाइट स्टे करें, हो सकता है नहीं करें, ओनली फॉर घूम घाम के ही वापस आ जाएं। तो चलिए घर चलते हैं। इस बार की ट्रिप बच्चों तुम्हें कैसी लगी? बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे, बड़ों के साथ में बड़े बहुत सारे थे, इस बार की जो ट्रिप है ना थोड़ी सी यादगार है, यादगार। क्यों यशु, तुम्हें कैसी लगी? बहुत है ना, मजा आया बहुत। और अब घर जाने का भी उतना ही एक्साइटमेंट है जितना एक्साइटमेंट यहाँ आने का था। घर जाने का एक्साइटमेंट नहीं है? 46 डिग्री टेम्परेचर है मुरादाबाद का। अब यहाँ इतने ठंडे में रह के तो बिल्कुल नहीं है कि विचार के कुछ हो। ये कि तो प्लान दो। हाँ चलो, कहाँ रह गए? Give me rowdy.
तो हम लोग जो है नैनीताल पहुंच चुके हैं और वहां पे हम लोगों ने ना कुछ खाना पीना खाया, क्योंकि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे और उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं बोटिंग, और बोटिंग करने के बाद हम लोग जो है वो घर जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमें नैनीताल में नहीं रुकना है, और हम लोग यहाँ पर ना कुछ खा रहे हैं अभी गाड़ी रोक के अपनी। और पता नहीं क्यों नैनीताल में ना रुकने का मन नहीं किया, जो भी करना था वो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह सब कर ली नैनीताल आके, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। है ना बेटा, हम क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि वहाँ पे रूम अच्छा नहीं था। हाँ, हमें ना हमारी पसंद का रूम नहीं मिला, उसके अलावा भीड़ बहुत थी। है ना खुशी, भीड़ बहुत थी ना खुशी। क्यों नहीं रुके हम, क्यों नहीं रुके खुशी, इधर आओ। अरे मेरी बात सुन ले, हम नैनीताल में क्यों नहीं रुके? क्योंकि बहुत भीड़ थी और रूम पसंद का नहीं मिला। रूम मिल गया था, होटल भी अच्छा था, बट इन लोगों को पसंद नहीं आया। फिर हम लोग सरना आ गए, और मेरा हेयर बैंड कैसा लग रहा है ये मैंने वहीं से लिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने भी स्क्रंची बहुत सारा ले लिया। शॉपिंग तो हमने दब के कर ली, शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं भाग दौड़ के ही। शॉपिंग के तो हम लवर है ना, इसलिए शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं। अभी कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ से खाने के लिए। चिकन बर्गर, हाँ चिकन बर्गर। भैया जा रहे हैं वो मुझे छोड़ के यहाँ से, वो ये कह रहे हैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हाँ चिकन बर्गर, पिटबुल का बच्चा। ओ वाह, पिटबुल का बच्चा लेना है तुम्हें गोदी में? ना 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 ना। फिर क्या करना है? छोटा सा ही है। ले लो, इसे तो मैं छूंगी ना। नहीं गोदी में लेना हो तो ले लो, कुछ करेगा थोड़ा ना। काटता थोड़ी होगा, पिटबुल है ये। हाँ काटता थोड़ी होगा, शेर एक शेर आराम से मार दे, अभी तो बेबी है। तो हम यहाँ पे आए हैं ना, वहाँ पे इन लोगों ने ऊपर ना सिटिंग का किया हुआ है, मतलब इस वैन के ऊपर है ना, ये वैन ही तो है ना, वैन ही है। इस वैन के ऊपर बहुत ही ऑसम वेदर है, और हम ही लोग आए हैं ऊपर 46 डिग्री में जाने का। हाँ हाँ, पता है इतनी गर्मी लगेगी ना वहाँ पे जाने के बाद के, देखना भून जाएंगे हम लोग। जरूर तुम भी जींस चेंज करनी हो तो कर लो। मैंने पहले शॉर्ट पहन कर आया हूँ। कैसा लग रहा है खुशी, कैसा लग रहा है? ठंडी लग रही है? कुछ बड़ा वैसा बनाए गरम, ब्लैक वाली निकाल के ले आओ जाओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्या लेकर आया? बर्गर। वाओ यम्मी यम्मी बर्गर। कौन सा बर्गर है तुम्हारा? बैठ जाओ नीचे को, बैठो। अबे अभी वो सब भगा रहा था का उसे, फिर वो अपने मालिक के पास चले गए। ये क्या पनीर रोल था आपका? आओ आओ, आपके लिए कैसा लग रहा है रोल? बढ़िया।